ओम शांति। 10 अक्टूबर 2022। परमात्म शिक्षाएं। बाबा हम बच्चों के कल्याण हेतु समझाने दे रहे, एकाग्रता में सुनेंगे और आत्मसात कर लेंगे। बाबा कहते, वह तो काम का नहीं बल्कि इस चीज का होता है कि हम दिल से काम करते हैं या खाली दिमाग से। दिल से काम करने वाला रिगार्ड भी करता है और बात सुनता भी है। वो केवल अपनी नहीं चलाता, दूसरों का भी पूरा सम्मान करता है। और दिमाग से काम करने वाला कभी दबाव में आकर थोड़ा बहुत सुन भी लेता है, परंतु करता तो वो ही है जो उसके दिमाग में है। वो चेंज नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि चेंज होने के लिए तो दिल चाहिए होता है। परिवर्तन दिल से होता है, दिमाग से नहीं। बाबा कहते हैं, समर्पण का मतलब होता है निश्चिंत हो जाना। समर्पण का मतलब यह नहीं होता कि वेट करना, क्योंकि इच्छा रखकर किया गया समर्पण समर्पण नहीं कहलाता। समर्पण अर्थात जिस हाल में भी हूँ निश्चिंत हूँ, संतुष्ट हूँ। परमात्मा पर पूरा निश्चय है कि उसको समर्पण किया है, तो इसलिए पूरा निश्चय है कि जो भी होगा अच्छा होगा, कल्याणकारी ही होगा, और जो हो रहा है वह भी मेरे कल्याण के निमित्त ही हो रहा है। समर्पण का मतलब यह नहीं है कि बाबा कर देगा। बाबा कहते हैं, निश्चय अर्थात निश्चिंत स्थिति, निश्चय अर्थात एक पल एक भरोसा, निश्चय अर्थात एक परमात्मा बाप दूसरा ना कोई। हर छोटी बड़ी परिस्थिति में निश्चय अर्थात खुशनुमा चेहरा, सदैव हल्का संतुष्टता से भरपूर मन, निश्चय अर्थात रमता योगी, निश्चय अर्थात नो क्वेश्चन नो कंप्लेन। बाबा कहते, जहाँ मोह होता है तो मोह के साथ घृणा भी होती है, और जहाँ प्रेम होता है तो प्रेम के साथ रहम होता है, क्योंकि मोह के साथ है ही अकल्याण, और अगर वहाँ रहम भी है तो वो भी अकल्याण का रूप ही लेगा। परंतु अगर प्रेम के साथ रहम है तो वो कल्याणकारी रहेगा, क्योंकि रहम है तो शुभ भावना शुभ कामना है, लव में लॉ समाया हुआ है। यदि आप परिस्थितियों को देखकर परेशान होते हो, अर्थात आपके अंदर मैं और मेरा है, जब सब कुछ परमात्मा बाप हवाले हो गया तो परेशान होने की जरूरत नहीं। समझा? ओम शांति।